हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस ये वीडियो थोड़ी सी इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं आपको बहुत अच्छी चीज सिखाऊंगा जिनको इंटरेस्ट है कार्टून्स बनाने में, डूडल्स करने में और कैरेक्टर्स बनाने में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो आप लोग को बहुत सारे देखे होंगे, सबको ही पता होगा कार्टून्स क्या होते हैं और ये सब कैरेक्टर्स ये सब क्या होते हैं। जैसे कि जो किड्स के जो शो होते हैं, जैसे कि कुछ नेम्स ले लेते हैं, जैसे कि डोरेमोन, ये सब कार्टून्स हैं। ये सब सबको पता है, एक टाइप के कैरेक्टर्स हैं उस मूवी के। तो हम लोग वैसे फनी कैरेक्टर्स कैसे बना सकते हैं और भी किसी कॉपी ना करके खुद से कैसे बना सकते हैं। जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं, जितने भी जो किड्स के जो शो होते हैं, जैसे कि डोरेमोन, शिनचैन, सब वो सब होते हैं जापान के, मतलब जैपनीज कैरेक्टर्स। और जापान में ही सबसे ज्यादा अच्छे कैरेक्टर्स और कार्टून्स बनाते हैं लोग, क्योंकि वो लोग थोड़ा सा इनोवेटिव है, क्रिएटिव है और भी थोड़े से अच्छे हैं। उनके पास अच्छे सप्लाइज भी है ऐसे कार्टून्स बनाने के लिए, तो उनके पास भी कार्टून से बहुत इंटरेस्ट रहते हैं। तो चलिए बात करते हैं हम लोग कैसे खुद से बना सकते हैं। तो आपने कार्टून में एक चीज नोटिस किया होगा, उनका जो बॉडी होता है, मतलब गले से लेके बिल्कुल देखना बहुत पसंद भी करते हैं। शिनचैन को एक टाइम से मान लीजिए आप लोग, अब देख सकते हो उसकी जो बॉडी है, मतलब उसका जो चीक्स है, मतलब ये जो पोर्शन है वो यहाँ तक जाता है, इतना बड़ा है। तो देख सकते हो आप लोग कितना अच्छा लगता है उसे देख के, कि मतलब कितना नॉटी है वो, कितना ज्यादा अच्छा मतलब फेस टाइप है उसका। तो वैसे हम लोग कर सकते हैं, मतलब हम लोग तो क्या करना है, सिंपल हम लोग फेस बड़ा रखना है, बॉडी को छोटा रखना है। रियल ह्यूमन बॉडी में तो ये हेड छोटा होता है, बॉडी बड़ा होता है, इसलिए वो ह्यूमन टाइप लगता है। जो जापानीज में जो एनिमेशन होते हैं, इसमें ह्यूमन टाइप फिगर्स को यूज करते हैं, तो वहां पर क्या होता है, बिल्कुल बिल्कुल हमारी तरह ही होता है हमारी बॉडी, लेकिन उनका जो वो होता है, मतलब पूरा बॉडी बिल्कुल सेम साइज का होता है, हेड भी सेम साइज, बॉडी भी सेम साइज, मतलब ये जो पोर्शन है हैंड्स नहीं यहाँ पर, ये बिल्कुल हेड के साइज का होता है ऐसे। तो वो भी अच्छा लगता है बहुत ज्यादा, जब आपको रियल के भी जैसे कि कुछ कैरेक्टर्स बनाने हैं, तो वो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है देखने में, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। और बच्चों को तो पता है बहुत पसंद है, कभी कभी बड़े भी देखते हैं। जैसे कि इंडिया का बात करें, इंडिया कोई कैरेक्टर मतलब कार्टून का, तो जैसे कि मोटू पतलू ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए आप लोग, मतलब कुछ भी कैरेक्टर ले लीजिए, आप ज्यादा का नोटिस करेंगे कि उनका जो बॉडी है वो थिन होता है, हेड है बड़ा होता है। और जैसे आपको लिखाने की फैट है, तो बॉडी बड़ा, हेड है वो छोटा होना चाहिए। तो यही है कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो आप लोग कार्टून्स को बनाने में यूज कर सकते हैं। और जब आपको कुछ बनाने क्रेजी या फिर कुछ अजीब सा मतलब दिखने वाला बहुत ज्यादा क्रेजी कैरेक्टर्स ये सब बनाने हैं, तो आप लोगों को बस क्या करना है, आपको अपने टाइप से इनोवेटिव आइडिया सोचने हैं। जैसे कि मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाली थी, जैसे कि जिराफ का था, वो मैंने खुद से ही बनाया है। मुझे मतलब आइडिया लाने चाहिए कि आप लोग कैसे करना है। जैसे कि जिराफ मैंने क्या किया, मैंने सोचा चलो एक क्रेजी सा कोई ड्राइंग करते हैं। मैं ज्यादातर तो पिंटरेस्ट से देख देख के बनाता हूँ, किसी को फॉलो नहीं करता हूँ। सारे रियल फोटोज होते हैं, उनको मैं कन्वर्ट करके ब्लैक एंड व्हाइट में बनाता हूँ, किसी का मैं कॉपी नहीं करता ड्राइंग। तो उसे मैंने सोचा कि एक ऐसा जिराफ बनाते हैं जिसके आईज क्रॉस हो गए और यहाँ से पसीने छूटे, जैसे कि वो बहुत ज्यादा टेंशन में हो। तो मैंने सोचा कि चलो एक कलरफुल टाइप बनाते हैं। तो मैंने क्या क्या हेड का, आपने उस वीडियो में देखा होगा, उस जिराफ का हेड है वो बड़ा है, फेस भी अजीब सा है, बॉडी छोटी है, मोटा फुल पतला, उसको तो बहुत क्रेजी कैरेक्टर्स और थोड़ा सा कलर शेडिंग जो होता है वो भी होना चाहिए बहुत अच्छा। तो इसलिए उन सबको क्रेजी कैरेक्टर्स, कार्टून्स ये सब कहते हैं। और कार्टून्स तो सभी देखना पसंद करते हैं, सबको पता भी होगा कार्टून्स क्या होते हैं, कैरेक्टर्स क्या होते हैं वो सब। मुझे भी बहुत इंटरेस्ट डूडल आर्ट करने में,
इतना सोच रही जो डूडल आर्ट के, डूडल आर्ट में बहुत ज्यादा करता हूँ, पोर्ट्रेट्स भी करता हूँ, डूडल आर्ट्स भी करता हूँ मैं। तो उन सबको करने का टेक्निक भी होता है, जैसे कि आप जब शेडिंग करते हैं आपको लाइट टू डार्क जाना पड़ता है, कैसे कि डार्क टू लाइट चले तो खराब हो जाएगा। तो डूडल में क्या करेंगे, पहले हम ड्राइंग कर लेंगे, फिर करेंगे वह इंकिंग। इंकिंग मतलब होता है, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बोला जाता है डूडल आर्ट में इंकिंग, लेकिन उसका जो नॉर्मल जो छोटा सा मीनिंग है जो सब लोग बोलते हैं उनका आउटलाइन, लेकिन जो डूडल में होता है तो जो कॉम्प्लेक्स टाइप होता है तो उसको बोलते हैं इंकिंग। और फिर हम लोग करते हैं कलरिंग। और फिर जब आप लोगों को पसंद है कि हम लोग मार्कर से करें तो आपको क्या करना है, जैसे कि आप, मैंने उस वीडियो में आपको दिखाया था कि मैं बिल्कुल लाइट टू डार्क एक टाइप का शेड ला रहा हूँ, मतलब बिल्कुल जैसे कि मिक्स हो गए कलर। और कोई भी एक्सपेंसिव मार्कर्स नहीं थे, बिल्कुल चीप मार्कर्स थे, $1-2 टाइप के, 1-2 टाइप के थे डॉलर्स। तो मैं डॉलर में क्यों बोल रहा, क्योंकि वो अमेरिका के हैं, इंडिया में अवेलेबल है, आप लोग अमेजोन से ले सकते हैं, वो आपको मिल जाएंगे 299, 399 ऐसे, लेकिन उनके जो रियल प्राइस वो है $1-2। तो बहुत चीप है लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छा लगा, आपके हैंड में भी जो इरेज हो जाएंगे। फिर आप लोग क्या कीजिए, आपको जो करना है पहले आप लोग जो फर्स्ट शेड है उसको लीजिए, फिर वो लाइट से शुरुआत करिए, पहले लाइट से आपने पूरा किया, फिर उसके ऊपर डार्क लेयर्स चढ़ाते जाइए, फिर आप तो क्या करें, एक लेयर को उसके लेयर के ऊपर, उसके लेयर के ऊपर पाइलअप कीजिए, वो ब्लेंड हो जाएगा और बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, मिक्सिंग भी अच्छी होगी, स्मूथ भी होगा। फिर आप लोग उसकी भी आउटलाइन कर दीजिए। और डूडल में जैसे कि आप लोग छोटे छोटे जगह करते हैं ना, जब आपके वॉशेबल मार्कर से थोड़े से वाटर प्रूफ हो, मतलब वाटर प्रूफ जिसमें थोड़ा सा वाटर बेस्ड हो, मतलब कभी भी ड्राइंग के पहले आउटलाइन मत लीजिएगा, क्योंकि वो जो आउटलाइन है उसका जो ब्लैक आपने अंदर ले लेंगे और आउटलाइन का ब्लैक भी ड्राइंग के अंदर आ जाएगा, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, आपको जो भी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल में हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, 50 पहुंचने वाले हैं प्लीज 50 कर दीजिएगा। और मैं आपको और एक चीज है, आप लोग जब मुझे 1K मतलब 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचा देंगे तो मैं गिव अवेज करूंगा आर्ट मटेरियल्स के और भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें की। और मेरे मॉम का भी चैनल, उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए। सो इसको अपने सारे सोशल नेटवर्क में शेयर भी करिए वीडियो को, इनको डूडल इन सब चीजों में इंटरेस्ट आर्ट के रिलेटेड। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।